हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से। तो जी, हमारे घर के काम हैं, अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। तो मेरे मॉर्निंग के जो काम थे, आज क्या हुआ था कि जैसे मैं सुबह, मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे से आके और बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह रेडी करा था, और आज डुगू को दी थी मैंने आलू की कचौड़ी बनाकर। और फिर मैं अपनी चाय वगैरह लेने के बाद मेरे को इतना आलस आ रहा था कि मेरा बिल्कुल मन ना करे कि मैं उठूं और घर के कुछ काम करूं। तो फिर वो ये रहता है ना कि भाई, जब काम खुद नहीं करने हैं तो फिर आलस क्यों दिखाया जाए। तो बस एक कहते हैं ना कि मैंने चाय ली, और चाय के साथ फिर मैं एक लेती हूँ अपने, एक जब भी मेरे ज़्यादा सिर में दर्द होता है या बदन दर्द होता है तो एक कॉम्बिफ्लेम की गोली ली, और उसके बाद मैं लगी घर के कामों में। क्योंकि अगर मैं गोली खाए बिना लेटी रहती तो काम भी नहीं होता, और फिर मेरे को आलस आलस पूरा दिन लगा रहता। तो सबसे पहले मैंने चाय ले ली, और बच्चे कार्तिक, आज कार्तिक ने करी है छुट्टी, डुगू गया है स्कूल क्योंकि डुगू के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी मैं लग रही हूँ घर के काम ख़त्म करने में, क्योंकि भाई काम जब करना खुद नहीं है तो आलस क्यों ही दिखाया जाए। और जब अगर थोड़ा बहुत आलस आ भी रहा है तो उस आलस को अवॉइड करा जाएगा, तभी जाके हमारे घर के कुछ काम बन पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एंट्रेंस वाला अपना जो वॉश बेसिन है इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि रोज़ की तरह ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, और इसको अगर क्लीन ना करो तो पूरे घर की सफाई अलग, और एक वॉश बेसिन जो मेन डोर का हमारा गंदा है तो उससे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे वॉश बेसिन क्लीन करने में लगे थे, उसके बाद मैं यहाँ पे, अच्छा जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मेन डोर ज़रूर ही रोज़ाना हल्का सा मैं कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि अगर मैं कपड़ा ना मारूँ ना, इस पर रोज़ाना ही थोड़ी थोड़ी सी धूल मिट्टी लगने लग जाती है। अच्छा, जब मेन डोर अगर क्लीन हो जाती है, इसके बाद में बाहर का जो एरिया है अपना, एंट्रेंस का जो बाहर का एरिया है, चाहे सीढ़ियां हैं, चाहे लिफ्ट के पास वाला एरिया है, चाहे बच्चों की शू रैक है, जो भी सामान सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं इसके आगे फैला देते हैं, तो सारे सामान को ना, एक जब भी काम करने से पहले सारे सामानों को अरेंज करना या उनको इकट्ठा करके रखना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे जो घर के सामान फैले रहते हैं ना, चाहे कहीं भी हो, क्लीनिंग से पहले सारे सामानों को उठा उठा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने पहले लिफ्ट में ही पोछा लगाया है, क्योंकि लिफ्ट में ना थोड़ा सूखने में टाइम लगता है, तो मैंने मैजिक मॉप से सबसे पहले लिफ्ट में लगाया है। अब मैं करूँगी यहाँ की क्लीनिंग। तो इधर सबसे पहले डोरमेट झाड़ दिया है, क्योंकि डोरमेट रोज़ाना धो देती हूँ, तो आज बट मेरे को ऐसे लग रहा था चलो साफ़ है, इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर ये वाले जो डोरमेट है ना, ये ऐसा है धो दो कुछ ख़राब नहीं होता इसका, जल्दी जितना मर्जी जल्दी धो दो। तो अभी सबसे पहले जब क्लीनिंग करो तो आप लोग भी सबसे पहले बाहर का जो एरिया है, सारे स्लीपर्स को हो सके तो धो के रख लो, अगर नहीं धो के रखना तो झाड़ के रखो, क्योंकि जब तक हमारी जो चप्पलें हैं या बाहर के फुटवेयर हैं, कोई भी चीज़ है, अगर वो ही साफ़ सुथरे नहीं होंगे ना, तो कभी भी हमारा घर क्लीन नहीं रह सकता। क्योंकि अगर चप्पलों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, अगर वही मिट्टी वाली चप्पलें हम पहन के घूमेंगे और गंदी रहेंगी, और बाई चांस कोई अंदर ही लेकर आ गया, वैसे तो मेरे घर में कोई भी जो बाहर वाली स्लीपर्स होती हैं उनको अंदर नहीं लाया जाता, और अंदर वाली स्लीपर्स अलग बना रखी हैं। तो इसी वजह से कहती हूँ कि अगर बाहर की चप्पलें हमारी अलग होंगी ना, कभी भी घर हमारा मैसी नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। तो इधर बस जल्दी से झाड़ू लग गई है, और झाड़ू लगाने के बाद पूरी सीढ़ियों पे झाड़ू लगा दिया आज मैंने, क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ सड़क वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पहले इतनी मिट्टी नहीं होती थी। जब से ये सड़क टूट रही है, फूट रही है, हर आए दिन सड़क में कुछ ना कुछ खुदाई सी चल रही है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा बच्चों के चप्पलों में भी, और जो भी कोई बाहर जाता है तो बहुत मिट्टी आती है।
तो इस वजह से पूरी सीढ़ियों पे ना झाड़ू लगानी बहुत ज़्यादा अब ना एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, तो वो चीज़ है। अच्छा, जब क्लीनिंग हम रोज़ाना करते हैं ना, तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करना कि झाड़ू लगा भी रखी है ना, तो उसके बाद ऐसा बिल्कुल साफ़ सुथरा सा फ्लोर लगता है कि हाँ बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। हाँ जी, तो अभी इधर ना सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन हो गई हैं, तो अब मैं कर रही हूँ मम्मी जी का रूम क्लीन, क्योंकि ये वाला रूम ना बहुत ज़्यादा बच्चे गंदा कर देते हैं, और कार्तिक तो मतलब पूरा दिन इसी रूम में पड़ता है, और आदत उसकी यही है कि कोई भी सामान जहाँ से लेता है वो वहाँ रखता नहीं है, चाहे उसकी बुक्स हो गई चाहे कुछ भी हो गया, तो सारा सामान उसका ना मतलब हर एक जगह उसका फैला रहेगा, उसकी ऐसी गंदी आदत है। तो अभी सारा सामान मैंने उठा के रखा है और सारी बेडशीट वगैरह ठीक कर दी है, उसके बाद मैं अच्छा डस्टिंग ही साथ के साथ कर रही हूँ। इससे क्या है ना कि सिर्फ मेरा अब जो एंड का काम होगा वो मेरे को पोछा लगाना रह जाएगा, तो कुछ इस तरह से जल्दी जल्दी से सारे जो अलमीरा के हैंडल्स हैं उनको भी मैं साथ के साथ पोछती जा रही हूँ, क्योंकि देखो रोज़ाना ही अगर हम ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ें कर लेंगे ना, तो कभी भी बहुत ज़्यादा हमारे को भारी काम नहीं लगेगा कि कभी हम हैंडल साफ़ करें हो, जैसे ये स्टील के हैंडल है ना अलमीरा के अंदर, अलमीरा के बाहर सॉरी, वो क्या होता है कि मतलब जरा से में ही गंदे हो जाते। तो बस अभी ना ये हैंडल वगैरह को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर वही है कि हमारे लिए काम बढ़ जाएगा, क्योंकि रोज़ाना ही किसी भी चीज़ का अगर हम कहते हैं ना एक नियम बना ले हर एक चीज़ का काम करने का, कि हमें रोज़ ये चीज़ अगर डस्टिंग को हमें 15 मिनट लगनी है 20 मिनट लगनी है, तो पूरे घर की डस्टिंग एक साथ कर दें, या सारे घर की जो बेडशीट वगैरह बनानी है वो एक बार अच्छे से बना दें, तो हमारे काम जो हैं बहुत इजी हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं इधर बैल्कनी को धो रही हूँ, क्योंकि इधर जो है ये रोज़ाना ही धुलती हैं दोनों की दोनों बैल्कनी, तीनों की तीनों ही, क्योंकि एक भी दिन अगर ना धो ना, जिस दिन मैं आलस कर जाती हूँ कि चल छोड़, और उस दिन ही ना ऐसे लगता है कि जैसे ही गेट खुलेगा तो सारी मिट्टी वो अंदर आती है एंड रूम में, तो इसी वजह से फिर मेरे को लगता है कि नहीं, अगर 5 से 10 मिनट लगते हैं बालकनी को साफ़ करने में, तो क्यों ना रोज़ाना ही इसको क्लीन कर दिया जाए। और होता भी यही ठीक है कि अगर थोड़ा सा काम करने से हमारा घर अगर अच्छा लगता है, बहुत साफ़ सुथरा लगता है, अनहाइजीनिक लगता है, तो क्यों ना अगर 5 से 10 मिनट इन सब चीज़ों के लिए हमें रोज़ निकाल ही लेने चाहिए, चाहे बालकनी की क्लीनिंग है, चाहे डस्टिंग है, चाहे अलमीरा के हैंडल्स हैं, चाहे कुछ भी काम है जो है इजी, मगर हम आलस में छोड़ देते हैं, छोड़ कोई बात नहीं कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। अच्छा, इधर सिलेंडर हटाया था ना, तो इसके पीछे भाई इतनी मोटी छिपकली थी, और मुझे तो इन छिपकलियों से बहुत डर लगता है, और गर्मी के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा निकलती हैं, क्योंकि मैं अपने जो किचन के पास वाला गेट है ना, अगर रात को खोल लेती हूँ ना, तो मतलब कई सारी छिपकली अंदर घुस जाती हैं, इसलिए मेरे को रात को तो बिल्कुल मैं बंद करके ही सोती हूँ गेट को, और मेरे को तो छिपकली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो चलिए, इधर इधर बाहर वाली बैल्कनी भी क्लीन हो गई है, ये रूम भी क्लीन हो गया है, तो कुछ इस तरह से आधे पोर्शन की जो मेरे क्लीनिंग होती है, चाहे मम्मी जी का रूम है चाहे ड्राइंग रूम है, तो इधर से ही स्टार्टिंग होती है। और अभी खाने में ना आज अभी कुछ डिसाइड नहीं है, तो कार्तिक की छुट्टी है, वो कह रहा था कि मैं आज पुलाव बनाऊंगा, तो खाना तुम कुछ मत बनाओ, तो अभी खाने में हमारे बनेगा पुलाव, और उससे पहले मैं ना सारी जो ये पोछा वगैरह लगाने का काम है ये सब मैं निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो चलिए, अभी ये सब होता है, इसके बाद मैं करूँगी घर के और बाकी काम। तो चलिए, अभी इधर रूम की क्लीनिंग हो गई है, और अच्छा अभी रूम को क्लीन करके आई थी, इसके बाद क्या हुआ हमारे यहाँ,
हमारे यहाँ एक चुहिया आई हुई थी कई दिन से, तो वो चुहिया ना कई महीने से हमारे यहाँ रह रही थी। मतलब जैसे बिल्ली आती थी ना हमारी, तो वो एकदम ना छुप जाती थी, वो उसके डर से निकलती नहीं थी, बेड के नीचे ही रहती थी। मेरे रूम वाला बेड जो है ना वो बिल्कुल ज़मीन से चिपका हुआ है, तो उसके अंदर ही रहती थी। तो आज उस चुहिया को निकालने के लिए मैंने मंदिर को ना आज खिसकाया और सारे कमरों के, वो आज ना किचन में घूमती हुई दिखी मेरे को सुबह के टाइम। तो मैंने जल्दी से फटाफट से सारे रूम बंद करे और रूम के जो नीचे से अंदर घुस जाते हैं ना उधर मैंने पोछे लगा दिए थे, और ये मंदिर वगैरह सारा मैंने आगे कर लिया था। मैंने कहा अगर ये कहीं भी भगी ना, तो हस्बैंड जी थे उनसे मैंने कहा आज इसको पकड़ के बाहर फेंकवा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ना नुकसान करती है। और मेनली क्या नुकसान करती है, मैं अपने कान्हा के लिए जो भी चीज़ का भोग लगाती हूँ, चाहे ड्राई फ्रूट्स का या किसी भी चीज़ का, वो उठा के ना रात को ले जाती है, और भगवान जी के मतलब पीछे की जो फोटोज़ है ना उनके पीछे सारा कुछ रख देती है। तो इस वजह से ना आज मेरे को ये लग रहा था कि आज इसको ज़रूर पकड़वाना है, तो इसी वजह से ना मंदिर को खिसकाया। और अब वही होता है कि जैसे कुछ चीज़ फैली है, तो जैसे मंदिर खिसका तो थोड़ा बहुत कूड़ा तो होता ही है, आप जितना मर्जी भी ढंग से कर लो, जितना मर्जी कहते हैं ना तमीज से कर लो, फिर भी कूड़ा तो कूड़ा ही है, कहीं भी उड़ के चला जाता है। तो जैसे मंदिर हटाया तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो थी उधर भी मेरे झाड़ू लग गई, और एटलीस्ट चुहिया भी फिक गई। तो इस चुहिया से बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी यही हो रही थी कि चीज़ों को नुकसान करती है, और कहीं अलमीरा वगैरह में घुस जाती तो और ज़्यादा कपड़े वगैरह नए कपड़े खा जाती। तो चलिए अब बारी आती है हमारे ड्राइंग रूम क्लीन करने की। तो अभी ड्राइंग रूम का आज जो ये सोफ़ा कवर है, मैं इसको ना चेंज करके पलट के बिछा रही हूँ, क्योंकि एक महीने चल जाते हैं क्योंकि इस रूम में कोई बैठता भी नहीं है, और फिर मैं क्या होता है मैं पलट पलट कर ही दोनों को बिछा देती हूँ, आधे इधर से आधे उधर से, तो मतलब पूरा महीना एटलीस्ट ऐसे ही निकल जाता है। और ऐसे ही मेज का कवर को, तो दोनों चीज़ें इसी तरह से करती हूँ, तो 15-15 दिन पलट के हो जाता है, क्योंकि रूम में कोई बैठता नहीं है तो गंदे भी नहीं होते, धूल मिट्टी होती है, तो ऐसे मैं झाड़ के कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से यहाँ सारी चीज़ों को मैं पोंछ रही हूँ, और सारे हैंडल्स को जो भी सोफ़े के हैं, और सब चीज़ों को पोंछने से एक चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि देखो धूल मिट्टी दिखती है ना, जब आप कभी भी बैठोगे तो बहुत गंदी लगती है, और वो चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है। ये क्या होता है कि क्लीनिंग ना एक अपने आप को ही, आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती ये आलस में, और सफाई सबको अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है। तो रोज़ाना ही अगर थोड़ा थोड़ा सा टाइम एक दिन छोड़ के दूसरे दिन अपने जो रूम यूज़ में नहीं आता उसकी क्लीनिंग कर दें। तो इधर ना मैं झाड़ू लगा के चली गई थी, कुछ काम आ गया था मेरे को, फिर मैं आई हूँ अभी दोबारा से यहाँ पोछा लगाने के लिए। तो अभी झाड़ू लग गई थी तो, और पोछा नहीं लगा था, तो डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। तो अभी बस जल्दी से मैं पोछा लगा देती हूँ और पानी वगैरह ले आई थी, क्योंकि पता है क्या होता है बीच बीच में ऐसा नहीं होता, अगर मैं वीडियो चालू कर रही हूँ तो बस मैं यही काम कर रही हूँ, बहुत सारे काम और एक्स्ट्रा भी होते हैं कि मशीन चल रही है और कपड़े भी धुल रहे हैं, और जैसे अभी कार्तिक है तो उसको भी मैंने चाय नाश्ता वगैरह दिया था, तो वही होता है ना बीच बीच में जब ब्रेक लगता है ना तो फिर काम हमारे लेट हो जाते हैं थोड़े से। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं ना तो आराम से रिलैक्स होकर काम करते रहो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद ना बस फिर मेरा काम क्या रह जाएगा, फिर मेरे आधा आधा पोर्शन रह जाएगा। तो ये था मेरा मॉर्निंग से लेके अभी तक का वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है या अच्छा नहीं भी लगा है, जो जैसा भी कुछ आपका रिव्यू है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो भी वीडियो देख रहा है। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।